अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। दिस इज नॉट ए व्लॉग, दिस इज अ वीडियो। और जो है क्या नाम, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ आज, व्लॉग नहीं बना रही, बिकॉज डेली बेस पे मैं एक चीज दिखा रही हूँ। जी बेटा। यस बेबी। अच्छा, जैसे व्लॉग में आप लोग इसको देखते रहते हैं, वैसे शायद आप इसको वीडियो में भी देखते रहे, क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं है इसको भेजने के लिए, क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं टलेगा। तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और वीडियो जो है वो आज हम बनाने लगे हैं, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है कि हम बनाने लगे हैं माय यूट्यूब जर्नी। और उन सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पे चैनल्स बनाना चाहते हैं, वीडियोज बनाना चाहते हैं, उनके लिए बता रही हूँ, उनके लिए करना चाह रही हूँ, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पूछ रहे थे कि वीडियोस कैसे बनती हैं। मैं खुद भी इतनी बहुत बड़ी कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ। ओके, स्किप स्किप। तो मैं खुद भी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन करना मैं पीछे तीन साल हो गया मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो और जो लोग भी वीडियो शायद हो सकता है हेल्पफुल हो, जो लोग नए यूट्यूबर्स हैं या बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी बात आपको समझ आ सकती है और हो सकता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो यस। अच्छा जी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने से पहले ही आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। एंड कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जो है क्या नाम है, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि जिसके लिए ये आपको लगता है कि ये जरूरी हो सकती है, और वो चाहता है अपनी जिंदगी में, चाहता है या चाहती है अपनी जिंदगी में कुछ करना। तो वीडियो को लंबा किए बगैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। YouTube की वीडियो बनाने से पहले शुक्र है आपके माइंड में चार चीजें होनी चाहिए, चार नहीं कुछ चीजें होनी चाहिए। वन इज कि आपका कॉन्टेंट क्या होना चाहिए। आपको अगर कोई वीडियो मोटिवेट कर रही है, पहला मोटिवेशन होता है, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो मोटिवेट कर रही है और आपको लग रहा है कि आप भी इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, तो फर्स्ट बूस्ट योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को इनकरेज करें कि हाँ जी भाई, हम भी ये कर सकते हैं, ये कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड, आपने जी अपने दिमाग में अपना कॉन्टेंट बनाना है। आई सजेस्ट कि आप जिस चीज में बेस्ट होना, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ। अगर आपको ग्राफिक्स अच्छी लगती हैं तो आप ग्राफिक्स पे वीडियो बना सकते हो, टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो, इन्फॉर्मेशन पे बना सकते हो। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आप उस पर वीडियो बना सकते हो, फैशन पे बना सकते हो, मेकअप पे बना सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो तो मेकअप पे बना सकते हो। डिफरेंट, अगर आप पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप ऑनलाइन टीचिंग जो है वो उसके कोर्सेज निकाल सकते हो, बुक्स निकाल सकते हो। बुक्स पे मतलब एक वाइट बोर्ड लीजिए और उस पर आप अपना लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कीजिए और ऑनलाइन छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि आपका कॉन्टेंट किस तरह से होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते, मेरी तरह से आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, मैं कोई बहुत अच्छी नहीं हूँ किसी भी चीज में, मुझे एवरेज मेकअप आता है, मुझे क्या जो है नॉर्मल फैशन सेंस है, मुझे जो है क्या नाम है, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो नॉर्मल फैशन सेंस है, नॉर्मल चीजें हैं, कभी है नॉर्मल सा स्किन केयर, नॉर्मल सा हेयर केयर। और अगर कुछ भी नहीं आता तो व्लॉगिंग शुरू कर दो, ठीक है। मैंने तो ये सारा कुछ, क्योंकि मेरे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ, सब कुछ थोड़ा 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 सा अल्लाह ताला ने दे दिया है। तो थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा ये वो, तो सब कुछ मिलाकर मैं अपनी एक वीडियो का मिक्सर बना लेती हूँ और उसको मैं रन करना शुरू कर देती हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नथिंग टू डू, सो आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। व्लॉगिंग भी आपने देखना है कि आप डेली करना है या नहीं करना,
तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपने देखना है कि वीडियो आपने कब कब डालनी है, कब कब बनानी है और उसको कंसिस्टेंट रह के बनाना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको जो चौथी चीज चाहिए होगी वो आपका यूट्यूब का अकाउंट चाहिए होगा, यूट्यूब का चैनल चाहिए होगा, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। ये चार चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है और उसके बाद डेफिनेटली आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो की है वो ये रखना है कि आपने किसी की बातों पे टेंशन नहीं लेनी है, किसी की बातों को सुनना नहीं, इधर से सुनना इधर से निकाल देना। सारी दुनिया बातें करेगी ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सुनो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। तो ये तो हो गई जी बातें जो आपने वीडियो या ये चीज शुरू करने से पहले अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। चार चीजें बताई, एक आपको चैनल चाहिए होगा, दूसरा आपकी मोटिवेशन चाहिए होगी, मोटिवेशन आपको आप किसी अपने फैमिली मेंबर से आ रही है, खुद आ रही है, किसी की वीडियो देख के आ रही है, वो कहीं से भी आ सकती है, इट्स टोटली अप टू यू। स्ट्रेंथ आपने खुद बूस्ट करनी है, एनर्जी आपने खुद डालनी है। फोर्थ इज अपने आप को पत्थर का गढ़ लो, क्योंकि आपको कमेंट अच्छे भी आएंगे, आपको बुरे भी आएंगे, आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना। और थर्ड थिंग इज के आपने जो है कंटेंट कॉन्स्टेंट होके कौन से कंटेंट पे फोकस करना है और आपने किस तरह की वीडियो बनानी है, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशन, किस चीज की। अब आते हैं मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। मैंने कोई आज से 3.5 साल पहले अपनी जर्नी शुरू की थी और ऐसे शुरू की थी कि मैंने शादी के बाद, मैं शादी से पहले यूट्यूब की, मेरी शादी से पहले यूट्यूब की जर्नी लोगों की स्टार्ट हो चुकी थी, कोई ब्लॉगिंग कर रहा था, कोई टिकटॉकर था, कोई देयर लॉट ऑफ थिंग्स, कोई मेकअप की वीडियोस डाल रहा है, तो मैं देखती थी, मैं उससे बड़ा मोटिवेट होती थी। बट मेरी फैमिली में वो सब चीजें अलाउ नहीं थी कि इस तरह से कैमरा पे आना है, पूरी दुनिया के सामने सबको सब कुछ बताना है, नहीं वो चीजें अलाउ नहीं थी, मेरे अब्बू की तरफ से अलाउ नहीं थी। और जो है कि तो मैंने जब शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, बिकॉज मैं जॉब करती थी पहले, इतना टाइम भी नहीं होता था और अलाउ भी नहीं थी। तो जब शादी हो गई 3-4 महीने मैं बस ऐसे घर पे बैठी और मैं बोर होना शुरू हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं ये कर लूं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा, बिकॉज मेरे फैमिली में अलाउ नहीं था, तो मैंने उनसे पूछना मुझे जरूरी था। उन्होंने मुझे डी करेज करने के बाद, डी मोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो, कुछ भी कर सकती हो, तुम करो, बना लो, डाल लो वीडियो, ठीक है। मैंने फिर भी मैं, क्योंकि घर के काम भी होते थे, मैंने हाउस वाइफ के तौर पे अपनी लाइफ शुरू की थी तो सब करना होता था, सारी फैमिली भी साथ होती थी, तो मैं रोज रोज वीडियोस नहीं डाल सकती थी। तो मैंने अपने स्किन केयर्स और छोटे छोटे व्लॉग और सारी कुछ जो जो भी मुझे जैसे जैसे कॉन्टेंट समझ आता था, मैं 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड कर ली। पर ये जो है ये मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, ठीक है। मैं फिर बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरे पास ऑडियंस भी इतनी सारी नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, मोरल डाउन नहीं किया अपना। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने बोला नहीं नहीं करो 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 करो, छोड़ना नहीं है। फिर मैंने कुछ दिन छोड़ा, आहट स्टॉप इट, जाओ तो जाके दूध पियो। फिर मैंने जो है वो कुछ अरसा जो है वीडियो डाली तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 साल के 6 महीने मैंने वीडियो डाली और फिर मैंने अपनी वीडियोस को बंद कर दिया, बिकॉज मैंने कंसीव कर लिया, कुछ तबीयत ऊपर नीचे होना शुरू हो गई और फिर नहीं बना सकी किसी वजह से, किसी टाइम की वजह से नहीं बना सकी वीडियोज, और मैंने छोड़ दी टोटली। 1 साल के बाद मैंने दोबारा वीडियो बिल्कुल बनाना छोड़ दिया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया छोटी छोटी, कभी स्किन केयर की, कभी किसी प्रोडक्ट की रिव्यू की, कभी छोटे ब्लॉग की, इस तरह से वीडियोस आना शुरू होगी, वीडियो डालना शुरू होगी। फिर मैंने थोड़ी देर स्किप कर लिया, फिर वीडियो डालना बंद कर दी, फिर मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैंने वीडियो दोबारा शुरू की,
फिर थोड़ा स्किप कर लिया, ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेती रही, तो इस वजह से मेरा चैनल अभी तक इतना ग्रो नहीं कर पाया। आपने ये गलती नहीं करनी, दिस इज माई फर्स्ट मिस्टेक। मेरा चैनल अच्छा खासा जैसे शुरू होना शुरू होता है मैं उसको छोड़ देती हूँ, और क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ। और आपने बोर नहीं होना है, आपको देखना है, अपने माइंड में रखना है कि आप पैशनेट हो नहीं हो, आपको इसमें कितनी एनर्जी डालनी है। आपको डेली बेस पे डालनी है, डेली बेस पे डाल लो, आपको दो दिन बाद डालने हैं, काम करना है तो करना है। ये कोई आसान काम नहीं है, लोगों को लगता है सिर्फ ऐसे कैमरा के सामने खड़े हो आप बोल लो, तो नहीं। अभी देखो मैं एक वीडियो बना रही हूँ कैमरा के सामने बैठ के, सामने ये देखो। सो ऑन एंड ऑफ मैं काम कर रही थी। मेरे चैनल ग्रो ना होने के सबसे मेन रीजन ये है कि मैंने जब मेरा चैनल चलना शुरू होता है थोड़ा सा मेरा मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कुछ बिजी हो जाती हूँ बच्चे के साथ, तो मैं वो वीडियोस उस तरह से अपलोड नहीं कर पाती कंसिस्टेंट होके। जो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है वो मैं बंद कर देती हूँ और मेरा चैनल डेड की तरफ हो जाता है, फिर मैं उसे खड़ा करती हूँ, फिर डेड जाता है। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है यूट्यूब का, ठीक है। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने वीडियो एक दफा सोच लिया है कि मैंने वीडियो डालनी है, तो चाहे आप 4 महीने बाद डालें, चाहे 2 महीने बाद डालें, चाहे 2 दिन बाद डालें, अपना एक कंसिस्टेंट एल्गोरिथम रखना है। बिकॉज अगर एल्गोरिथम नहीं होगा तो यूट्यूब आपकी वीडियो आगे सर्च पे नहीं डालेगा, वो किसी के पास नहीं जाएगी, आपको व्यूज नहीं मिलेगा। सेकेंड जो है अच्छा, कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आहार चुप बाज नहीं है, कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो है आपके सर्च इंजन्स पे, कि आपने कैसे डिस्क्रिप्शन डालनी है, कैसे टैग्स डालने हैं। मैंने सब करके देख लिया, टैग्स भी डाले, टैग जरूरी होते हैं, हैशटैग जरूरी होते हैं, कीवर्ड जरूरी होते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूरी होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से मैं आपको क्या कहूँ, जिस तरह से करना चाहिए काम, ठीक है। वो आपकी बहुत लिमिटेड लोगों को सर्च इंजन पे जाती है। अगर कोई आपकी वीडियो नहीं देखेगा, अगर किसी के पास जा रही है सर्च में वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा, तो यूट्यूब 4 लोग नहीं देखेंगे तो यूट्यूब 5वें को सेंड ही नहीं करेगा। जी बेटा, आप उधर बैठ के खेले, उधर बैठ के खेले, उधर टॉय कार से खेलें, ये मेरी जिंदगी है, ठीक है। और यही जिंदगी है, YouTube के वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं होता है। मैं कैमरा के सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। जी बेटा, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, जी 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 मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी यस, मम्मी बस, मम्मी। अच्छा मैं इसको छोड़ के आती हूँ। सो ये सारी चीजें मेरे लिए काम नहीं करी, मैं पता नहीं कहाँ पर थी। हाँ, SEO पे ये डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स एंड शायद किसी वीडियो में काम किए भी हो, बट अब जब से मैंने दोबारा ब्लॉगिंग शुरू की है, बिकॉज मैं पहले कभी स्किन केयर कभी मिक्सचर बनाई थी, तो मुझे लोगों ने कहा कंटेंट चेंज करो अपना, तो डेली ब्लॉगिंग में आओ, डेली ब्लॉगिंग में आ गई। अब डेली ब्लॉगिंग का प्रॉब्लम ये है कि रोज रोज सोचना पड़ता है कि आज क्या कॉन्टेंट बनाओ, बिकॉज बोर हो जाते हैं इंसान ये देख देख के कि रोज एक ही रूटीन चल रही है, ठीक है। सो खैर मैं तो कर रही हूँ काम, जैसे जैसे भी कंटेंट समझ आती है वो करूंगी, डेफिनेटली करती रहूंगी, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि आपका लक बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए, हर जॉब के लिए, हर काम के लिए। आपका लक, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत। मैं अपनी 100% मेहनत नहीं डाल रही अभी तक इस YouTube के चैनल पे, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे कोई एक अच्छी वाइब भी नहीं आती है या कुछ इस तरह से, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अभी तक पूरा अपना 100% एफर्ट नहीं, बस 50% चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, बिकॉज मैं टाइम पास कर रही हूँ, मैं बस करने के लिए कुछ नहीं कर, तो मैं ये कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने ये करना है तो आप इसको, आप अपना, आप नौकरी कर रहे हो तो एकदम से इसको क्विट ना करो, बिकॉज लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है
YouTube से बहुत ज्यादा अर्निंग आती है, बहुत ज्यादा. मतलब लोग इस टाइम मिलियंस कमा रहे हैं यूट्यूब से, डेली ब्लॉगिंग से, डिफरेंट जो है मेकअप आर्टिस्ट है. लेकिन वो डिपेंड करता है आपके व्यूज के ऊपर, आपको वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. आप क्या कंटेंट बना रहे हो, ऑडियंस को कितना एंटरटेन कर रहे हो, कितना इंगेज रख रहे हो, उस पे डिपेंड करता है. ऐसे नहीं कि किसी भी टॉपिक पे उठा के वीडियो बना दी और आपको उस पे व्यूज नहीं आ रहे और आपको बहुत ज्यादा अर्निंग आएगी, ऐसा नहीं है. सेकंड थिंग इज कि आप जो भी काम कर रहे हो आपने वो अपना साथ कंटिन्यू रखना है, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है जब तक आपको लगे नहीं कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा आपको अर्निंग दे सकता है और आप इसको एक परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हो. तब तक आपने जॉब नहीं छोड़नी है, आप अपना जो काम कर रहे हो वो भी कंटिन्यू रखना है. ठीक है, पहले शर्त यूट्यूब पे जो आने की है वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए. मुझे ये पूरा करने के लिए 2 साल लग गए और अभी भी मेरे तकरीबन 1200 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ. मतलब मैंने पीछे से, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ वीडियो डालती हूँ इसलिए मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है. लेकिन मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने वो तो जल्दी हो गया था, लेकिन जो वॉच टाइम है 4000, वो वैसे लगता पहाड़ जितना वॉच टाइम है, वो पूरा करने के लिए मुझे 2 साल लग गए. ठीक है, चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है, एड्स चलना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी मुझे कोई इनकम नहीं आ रही. अभी मुझे कोई अर्निंग नहीं कर रही मैं, बिकॉज मुझे व्यूशिप नहीं आ रही. मुझे मेरे शायद मेरे व्यूअर्स इतने एंटरटेन नहीं हो रहे, शायद आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो रखी हुई अपने आप को मोटिवेट करती जा रही हूँ, मोराल को डाउन नहीं होने देती. रोजाना खड़ी होती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है. वो 1000 लोग भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर मैटर करता है फॉर मी. आपके लिए भी करना चाहिए. ठीक है, ये तो YouTube की शर्त हो गई. उसके बाद आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता. कई लोग बहुत लकी होते हैं, उनका 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उनको इनकम फौरन से आना शुरू हो जाती है, वो बहुत एंटरटेनिंग बहुत हैपनिंग होते हैं, सो आ जाता है. मैं नहीं हूँ. दूसरा, आपके पास ऑडियंस होना बहुत जरूरी है. मेरे पास ऑडियंस नहीं है बिकॉज आई एम नॉट टिकटॉकर, आई एम नॉट एन इंस्टाग्रामर, फेसबुक पे कोई रील्स नहीं बनाती कुछ इस तरह से. मैंने जो भी काम शुरू किया डायरेक्ट यहाँ फेसबुक से किया. जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो इसलिए बिकॉज वो टिकटॉक से काम कर रहे थे, वहां से अपनी ऑडियंस को यहाँ पर लेकर आए. उनके वहां पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरे नहीं है. मुझे टिकटॉक की वीडियोज और ये सब बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए. पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ. अकाउंट्स मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने सारे अकाउंट्स अपने यूट्यूब चैनल के बाद बनाए हैं ऑडियंस को इंगेज करने के लिए. लेकिन मैं उन प्लेटफॉर्म्स पे उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाती जितना मैं इसके ऊपर करती हूँ. यूट्यूब पे मैं वीडियो डालना ज्यादा अपने आप को समझती हूँ कि नॉर्मल डाल देती हूँ ना, बहुत ज्यादा उछ नहीं. वो एक अलग तरह का कंटेंट चाहते हैं और मांगते हैं, रील्स चाहिए, गानों पे आप डब मैश करो और लिपस्टिंग करो, वो मैं नहीं कर सकती. तो मेरा यूट्यूब इस तरह से चल रहा है. ठीक है, आपने अगर अपना यूट्यूब चलाना तो आप जरूर चलाएं. ठीक है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको एक फोन चाहिए, एक अच्छा फोन जो भी आपके पास हो. अच्छा नहीं भी है आपके पास, आजकल तो डिजिटल फोन एंड्रॉयड फोन चल रहे हैं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे, अगर आप उसमें से भी ले लेते हो ना, उसको भी ले लेते हो, तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी. अच्छी क्वालिटी की हो, बैड क्वालिटी की हो, दैट डिपेंड्स. ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो ना भी अच्छी हो तो आपकी वीडियो क्लीन होनी चाहिए बेसिकली. ठीक है, मेरे पास कोई इतना अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास भी एंड्रॉयड फोन है, आईफोन नहीं है. सो मैं जिससे वीडियो शूट कर रही हूँ इस टाइम पे, और बहुत दफा वो मेरा बच्चा नीचे फोन गिरा भी चुका हुआ है, तो लेकिन उसको भी आपने क्लीन रखना है, अपनी वीडियो को क्लीन रखना है. वो एडिटिंग में चली जाती है. एडिटिंग के लिए मैं यूज करती हूँ कैपकट एंड सेकेंड इनशॉट. मैं इनशॉट यूज कर रही हूँ, कैपकट यूज कर रही हूँ. इसके कई फीचर्स, पहले तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी,
आप इसके कई फीचर्स जो हैं वो आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए जो है वो हो गए हैं, क्या कहते हैं आप उसे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यानी सब्सक्राइब करने पड़ जाते हैं आपको महीने के, मंथली या ईयरली, जितने भी आप जिस हिसाब से भी आपका बजट हो अब उसको उस फीचर्स को लेना पड़ता है, ठीक है। काइंड मास्टर भी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने इस्तेमाल की है इन शॉर्ट, लेकिन अभी मैं अपनी वीडियोज को एडिट करने के लिए कैटकट और इन शॉर्ट इस्तेमाल करती हूँ, और कैनवा भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। ये तो थी जी चीजें, और ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, और इसने मेरी लाइफ वाकई में चेंज की है। मतलब लाइक मैं बहुत सोलो बैठी बैठी कोई काम नहीं कर रही, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, उस तरह से थी, लेकिन अब मुझे पता होता है जिस दिन मेरी वीडियो मैंने नहीं अपलोड की होती है, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे होता है कि नहीं मैंने अपने एल्गोरिथम को कंटिन्यू रखना है। तकरीबन पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार डेली ब्लॉग कर रही हूँ, सो डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, सो वो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है उससे, एक जिसे कहते हैं ना किक मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार मैंने सुबह उठना है और वीडियो बनानी है। नो मैटर हाउ यू लुक, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आप बना लो तो अच्छी बात है, जो नहीं बना सकते डेली लाजमी नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो रोज उठ के तैयार नहीं हो सकती, मेकअप नहीं कर सकती, तो इट्स ओके, आप अपने आप को अच्छे रखो, बाल रखो, मेरे बाल कई दफा बाल फटा बम बना होता है तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। सो आप क्योंकि जो भी लाइफ स्टाइल आप अपनी यूट्यूब की जर्नी पे दिखाओगे वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज आप झूठ नहीं कुछ भी आप कितनी देर झूठ बोलोगे, अगर आपने इसको प्रोफेशन बनाना है, अपना काम करना है, तो आप झूठ नहीं कर सकते, बिकॉज झूठ 10 दिन चल जाएगा, 20 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, झूठ की जिंदगी नहीं चलेगी, बिकॉज ये वीडियो एक टाइम आएगा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, और मेरे बेटे के साथ साथ जो है मैं अब वीडियोज अपलोड करती हूँ, डालती हूँ, उसे एडिट करती हूँ, तो ये एक दफा एक टाइम होगा कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, और स्पेशली जब आपको अर्निंग आना शुरू होगी, जब आप अर्निंग करना शुरू हो जाओगे, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ। क्या बात है आहत, सो ठीक है, मैं अपनी वीडियो यही एंड करती हूँ कि ये मुझे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने दे रहा। अगर आपको यूट्यूब के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वजह चाहिए, जो कोई बात ऐसी जो मैंने बताना भूल गई हूँ, मैंने नहीं बताई, क्योंकि आज तो मैंने वीडियो बहुत ही इस तरह से बनाई है डिस्टर्बेंस में आहत के साथ साथ, ठीक है। वैसे तो इसकी आदत आप लोगों को पड़ी गई होगी कि इसके डिस्टर्बेंस की और इसके बोलने की और इसके शरारतों की, लेकिन फिर भी आई एम सो सॉरी फॉर हिम, इसकी तरफ से मैं बहुत ज्यादा माजरत खुआ हूँ आपसे, और इसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा, एंड डिस्टर्ब होते हुए मैंने वीडियो बनाई है। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है आपके जहन में है, अगर आप नए यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सवाल, कोई जवाब, जो भी मैं आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। सो ग्रो करना चाहिए सबको, एक अच्छी हैंडसम इनकम कमाना और हर खुशी का हक सबको होता है, ठीक है, अच्छी अर्निंग करना भी सबका हक है, अच्छी जिंदगी गुजारना सबका हक है, खुशियां भरी सब, प्यार भरी सब, ठीक है। ये वीडियो को यही एंड करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन, कमेंट में पूछ लीजिएगा जो भी आपने मुझे पूछना है, मैं कोशिश करूंगी इस पे दोबारा एक पूरी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊं, ठीक है। एंड कमेंट में ये भी बताइएगा आपको ये जर्नी मेरी जो अनटोल्ड स्टोरी थी वो कैसे अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, जैसे भी मैं बोलती हूँ समझ आई नहीं आई जो भी है वो बताइएगा जरूर, और मुझे सजेशंस भी दीजिएगा अच्छे अच्छे से कि मैं अपने कॉन्टेंट्स में क्या ऐड कर सकती हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करे, ठीक है। सो लेट्स ग्रो टूगेदर, एक साथ ग्रो करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे इस नॉटी प्यारे शरारती बच्चे को दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने कर लिया हुआ है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अल्लाह हाफिज।